2024 लोकसभा के रण का जिक्र हर जुबान पर है, लेकिन उससे पहले राज्यसभा के चुनावी रण का ऐलान हो गया है। 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। इन सभी 56 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 3 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य यूपी से हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के चुनाव के लिए रणभेरी बज गई है। 56 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी। उम्मीदवारों को 15 फरवरी तक नॉमिनेशन भरना होगा। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी तक होगी। 20 तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। वहीं 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 27 फरवरी को ही शाम 5 बजे वोटों की गिनती भी होगी और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार 29 फरवरी से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवा लेनी है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, महाराष्ट्र और बिहार की 6-6 सीटें, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 5-5 सीटें, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और ओडिशा की 3-3 सीटों के साथ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल की 1 सीट शामिल है। इनमें 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त होने वाला है, तो वही 6 सदस्यों का कार्यकाल 3 अप्रैल को समाप्त होगा। बता दें, राज्यसभा के चुनाव में विधायक वोटिंग करते हैं। यूपी की बात करें तो यहां 10 सीटों पर चुनाव होना है। यहां कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है। एक राज्यसभा सदस्य को जीत के लिए 37 मतों की जरूरत होगी। बीजेपी गठबंधन के पास इस समय 273 विधायकों की संख्या है, तो वहीं सपा रालोद के पास 117 विधायक हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के 7 सांसदों का राज्यसभा पहुंचना सुनिश्चित है, तो वहीं सपा से भी 3 सदस्य उच्च सदन में पहुंचेंगे। अप्रैल में यूपी के जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें अगर बीजेपी के सांसदों की बात करें तो विजयपाल सिंह तोमर, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, हरनाथ सिंह यादव, सकलदीप राजभर, कांता करदम, जीवीएल नरसिम्हा राव, अनिल अग्रवाल और सुधांशु त्रिवेदी हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन का कार्यकाल भी अप्रैल में खत्म हो रहा है। फिलहाल सभी राज्यों में पार्टियों ने राज्यसभा चुनाव के लिए गुणागणित लगाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पार्टियां अपने ही दलों के विधायकों पर भी नजर रखेंगी, जिससे कोई क्रॉस वोटिंग ना कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।